स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है, आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ या फिर कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट रहता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस रहता है, कॉमर्स का लाइसेंस रहता है, SSI रहता है, MSME का लाइसेंस रहता है, जैसे काफ़ी सारे लाइसेंसेस रहते हैं, वो गवर्नमेंट के पास आपने अप्लाई करके लिया होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन कार्ड, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ऑफिस एड्रेस प्रूफ, आपका रेजिडेंस का एड्रेस प्रूफ और आपके पासपोर्ट साइज के फोटोज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तीसरा है आपका इनकम प्रूफ। बिजनेस में इनकम प्रूफ यानी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आप जो हर बिजनेस में हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो वो देना रहता है। चौथा है बैंक स्टेटमेंट। बिजनेस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी बैंक में करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो वो करंट अकाउंट्स में होता है, तो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा जाता है। तो ये चार बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपके बिजनेस प्रूफ, KYC, इनकम प्रूफ एंड बिजनेस एंड बैंक स्टेटमेंट्स। अभी आप जब अप्लाई करने के लिए बैंक में जाओगे तो आपका बैंक मैनेजर आपको पूछेगा आप किस पर्पस के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। तो आपको बताना रहेगा बिजनेस में किस किस पर्पस के लिए आप पैसा यूज़ करोगे, जैसे कि आप अपने वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हो, आपका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ले सकते हो, तीसरा आप रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए ले सकते हो, मतलब आपको जो भी बिजनेस लोन ले रहे हो आप कोई बिजनेस में ही यूज़ कर रहे हो, कहीं और आपका पैसा डाइवर्ट नहीं हो रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको मैनेजर एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बिजनेस के बारे में डिटेल भरनी रहेगी, जैसे आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो गया, रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका ट्रेड रेफरेंस हो गए, पर्पस ऑफ लोन हो गया, जैसे बेसिक्स आपका फॉर्म वहाँ पे मैनेजर के पास वो सबमिट करना रहेगा। तो इस तरह से आपका बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्राइवेट बैंक्स अभी 1 लाख से लेके 50 लाख तक अनसिक्योर्ड बिना सिक्योरिटी कोलैटरल फ्री लोन देती है। थैंक यू। आप कमेंट करना।